गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश वन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर अ लिटिल चैप्टर टर्म्स। दिस इज अवर लेसन नंबर 15। इस पोयम में एक टर्टल है, मतलब एक कछुआ है, और वो क्या है, बहुत स्लो चलता है। आपको पता है कि टर्टल कैसे चलते, एकदम स्लो चलते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने हाउस को, ये आप पीछे देख सकते हो कि टर्टल के बैक पे, मतलब पीछे की साइड जो ये है, इसको उसका हाउस कहते हैं, इसको शेल भी कहते हैं। ये अपने हाउस को अपने साथ में, SHELL, शेल को अपने साथ में लेके चलता है। तो ये कछुआ बता रहा है कि मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं अपने हाउस को अपने साथ लेके जाता हूँ, और जब भी मैं टायर्ड, मतलब थक जाता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को इसके अंदर डाल लेता हूँ और फिर मैं वहां सो जाता हूँ। नाउ वी स्टार्ट SAYC द पोयम अलाउड विद एक्शन। आपको पोयम एक्शन के साथ बोलनी है। आई एम अ LITTLE लिटल TURTLE टर्टल, आई CRAWL क्राउल, सो SLOW स्लो, आई कैरी माई HOUSE हाउस, WHERE वेर एवर, वेर एवर आई गो। तो ये टर्टल क्या कह रहा है, आई एम अ लिटल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो, कि मैं एक छोटा सा टर्टल, मतलब कछुआ हूँ, और आई क्रॉल सो स्लो, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। क्रॉल मतलब जो बच्चे भी होते हैं जो क्रॉल करके धीरे धीरे एकदम चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉल करना। आई कैरी माई हाउस, मैं अपने हाउस को अपने साथ में लेके जाता हूँ। वेर एवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूँ मैं अपने हाउस को लेकर, कैरी करके अपने साथ लेके जाता हूँ। वेन आई गेट टायर्ड आई पुट माई HEAD हैट, माई LEGS लेग्स एंड माई टेल, एंड आई गो टू बेड। वेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूँ, टायर्ड मतलब थक जाना। वेन आई गेट टायर्ड, जब मैं थक जाता हूँ, आई पुट इन माई हैड माई लेग्स एंड माई टेल, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हेड को, मतलब अपने सर को, अपने पैरों को और अपने टेल को कहाँ डाल देता हूँ, शेल के अंदर, उसका जो हाउस है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में भी, ये इसको कहते हैं, इसका हाउस बोलता है टर्टल, और ये शेल कहते हैं इसको। वो अपनी बॉडी को, हेड को, लेग्स को और टेल, मतलब पूंछ को, अपने शेल के अंदर डाल देता है। एंड आई गो टू बेड, और मैं बेड के अंदर चला जाता हूँ, मतलब मैं सो जाता हूँ। तो नाउ आई रिसाइट द पोयम, एक बार इसको रिसाइट कर लेते हैं। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रॉल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो। वेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हैड माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। तो आपको ये पोयम को टू टाइम रिसाइट करना है। नाउ वी डू न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स CARRY कैरी, कैरी मतलब लेकर जाना, कोई चीज हम लेके जाते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम कहते हैं कैरी। देन CRAWL क्राउल, क्राउल मतलब रेंग के चलना। आपको पता है बेबीज जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी क्राउल करते हैं, और ये जो टॉर्टोइज है वो भी क्राउल करता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। देन नेक्स्ट इज टायर्ड, TIRED टायर्ड, टायर्ड मतलब थक जाना, आप भी थक जाते होंगे उस तरह की, जो शेल टर्टल है वो थक जाता है तो अपनी बॉडी को अपनी शेल के अंदर डाल देता है, तो टायर्ड मीन्स थक जाना। नेक्स्ट इज टर्टल, TURTLE टर्टल मीन्स कछुआ। लेट्स रीड, ये जो वर्ड सेंटेंस आपको रीड करने, अ BABY बेबी CRAWLS क्राउस, बेबी क्या करते हैं, क्राउस करते हैं, मतलब रैंक कर चलते हैं। नेक्स्ट अ TURTLE टर्टल, HAS हैज अ SHELL शेल, टर्टल की क्या होती है, शेल होती है, ये जो होता है ऊपर का पार्ट, इसका जो पार्ट है वो स्टोन जैसा, एकदम पत्थर जैसा होता है, उसे हम कहते हैं शेल। टर्टल हैज अ शेल, टर्टल के नीचे ऊपर की साइड में शेल होता है। रीडिंग इज फन, ये क्वेश्चन आंसर है, हाउ डज अ टर्टल वॉक, आपको पता है टर्टल कैसे चलते हैं, तो टर्टल, अ टर्टल वॉक्स वेरी स्लो, टर्टल एकदम धीरे धीरे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक, टर्टल अपने बैक पर, मतलब पीछे की साइड क्या लेके जाते हैं, कैरी मतलब लेकर जाते हैं, तो कैरी क्या करते हैं वो लोग, अपने पीछे अपने हाउस को कैरी करते हैं। द आंसर इज, द टर्टल कैरीज ऑन इट्स हाउस ऑन इट्स बैक,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द टर्टल गो वेन इट इज टायर्ड। टर्टल कहाँ चला जाता है जब वो टायर्ड हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? टर्टल गो वेन कहाँ चला जाता है? टर्टल अपने हाउस के अंदर चला जाता है। तो आंसर इज द टर्टल गो इन इट्स हाउस वेन इट इज टायर्ड। द टर्टल गोज इन इट्स हाउस वेन इट इज टायर्ड। नेक्स्ट लेट्स टॉक व्हाट इज द टर्टल हाउस कॉल्ड। टर्टल का जो हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्टल के हाउस को हम कहते हैं शेल। मैंने आपको बताया था पोयम में टर्टल के हाउस को हम क्या कहते हैं बच्चों? शेल, SHELL, शेल। द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड शेल, SHELL, शेल। नेक्स्ट से अलाउड, आपको मेरे साथ जोर जोर से ये जो वर्ड्स है उनको बोलना है। फर्स्ट इज CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल। नेक्स्ट PURPLE पर्पल, PURPLE पर्पल। TURTLE टर्टल, TURTLE टर्टल। नेक्स्ट FIRE फायर, FIRE फायर। LIAR लायर, फायर लायर। द नेक्स्ट इज TIRED टायर, TIRED टायर। CAT कैट, COT कॉट एंड CUP कप। KICK किक, KICK किक। KING किंग एंड KIT किट। नेक्स्ट QUACK क्वैक, QUEEN क्वीन एंड QUICK क्विक, क्वैक क्वीन एंड क्विक। लेट्स शेयर, इमेजिन यू आर अ टर्टल क्रॉल विद अ क्रॉल लाइक अ टर्टल। नाउ यू आर टा, इमेजिन यू आर अ टर्टल, आप इमेज करो मतलब आप सोचो कि आप टर्टल हो। जैसे ये बॉय देखो टर्टल की तरह बैठ गया है, यहाँ पे देख सकते हो ना ये पिक्चर में बच्चों कि ये बॉय है वो टर्टल की। तो आपको भी इमेज, ये एक्टिविटी है तो आपको खुद को करनी है कि आपको टर्टल की तरह बैठ जाना है। नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इन टू योर शेल एंड गो टू स्लीप। अब क्या करना है आपको, आप टायर्ड हो गए हो कि आप थक गए हो और आपकी बॉडी को जैसे हाँ आपकी ये जो हैंड है लेग्स है वो सब आपको अपने अंदर अंदर की साइड कर लेना है और गो टू स्लीप और सो जाना है आपको। वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन। अब आपको क्या करना है, वापस से वेक अप मतलब उठ जाना है और क्रॉल करना है, धीरे धीरे रैंक कर चलना है। एंड नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू। तो आपको क्या करना है इसमें, अब आपको वापस से क्या करना है, अपनी बॉडी को इस शेल के अंदर डाल देना है। और क्यों डालना है? क्योंकि आपके आसपास में कुछ चिल्ड्रन है, नॉटी चिल्ड्रन है जो आपको परेशान करते हैं, इसलिए अपनी बॉडी को अंदर आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट कलर बोथ द टर्टल्स, यहाँ पे दो टर्टल दिए हुए हैं उनको आपको कलर करना है, आपकी पसंद के आपको यहाँ पे कलर करने। आई क्रॉस सो स्लो आई पुट इन माई हेड। ओके, आपको ये कलर करने है दोनों टर्टल्स पे। नेक्स्ट पेज पे आपको लेट्स रीड एंड राइट, आपको ये ABCDEF ये जो लेटर्स दिए गए हैं उसको रीड कर करके इसको कंप्लीट करना है। नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 15 नोटबुक एक्सरसाइज। लेसन नेम इज अ लिटल टर्टल। फर्स्ट वी डू न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स करेंगे हम। फर्स्ट नंबर इज LITLE लिटल, लिटल मीन्स छोटा, LITLE लिटल। सेकेंड TURTLE टर्टल, TURTLE टर्टल मीन्स कछुआ। थर्ड नंबर CRAWL क्राउल, क्राउल मतलब रैंक के चलना, धीरे धीरे चलना, उसको हम कहते हैं क्रॉल करना, CRAWL क्राउल। देन नेक्स्ट इज S, फोर नंबर CARRY कैरी, CARRY कैरी। नंबर फाइव SLOW स्लो, SLOW स्लो। नंबर सिक्स HOUSE हाउस, HOUSE हाउस। नेक्स्ट इज सेवन नंबर WHENVEER वेयर एवर, WHENVEER वेयर एवर। एंड एट नंबर इज TIRED टायर, TIRED टायर। नाइन नंबर HEAD हैड, HEAD हैड। नंबर टेन TAIL टेल, TAIL टेल मीन्स पूछ। वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर वन राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपको पता ही है जिसमें लास्ट में एंडिंग साउंड सेम होती है। फर्स्ट राइमिंग वर्ड इज HOUSE हाउस, राइमिंग वर्ड ऑफ हाउस इज MOUSE माउस, हाउस माउस, हाउस माउस। तो आपको यहाँ पे H को रिमूव करके या M लिखना है, हाउस माउस। नंबर टू BET बैट,
राइमिंग वर्ड ऑफ बैड इज एच ई एडी हैड बैड हैड बैड हैड नंबर थ्री एस एल ओ डब्ल्यू स्लो राइमिंग वर्ड ऑफ स्लो इज एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो स्लो फ्लो नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर टू मिसिंग लेटर्स यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं जो वर्ड्स दिए हैं उनके लेटर मिसिंग है उनको कंप्लीट करना है नंबर वन टी डैश आर टी एल तो ये स्पेलिंग है टर्टल की वी राइट हियर यू टी यू आर टी एल ई टर्टल आपको मेरे साथ बोलना है टी यू आर टी एल ई टर्टल नंबर टू सी ए डैश आर वाई राइमिंग वर्ड ऑफ ये किसकी स्पेलिंग है कैरी की स्पेलिंग है सी ए डबल आर वाई कैरी सी ए डबल आर वाई कैरी नंबर थ्री सी आर डैश डब्ल्यू एल एस इज द स्पेलिंग ऑफ क्राउड सी आर ए डब्ल्यू एल एस क्राउड सी आर ए डब्ल्यू एल एस क्राउड क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक अ बेबी डैश बेबी क्या करते हैं आपको पता है छोटे जो बच्चे होते हैं वो कैसे चलते हैं तो वो क्राउस करके चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आपको ये ब्लैंक में आपको लिखना है क्राउस अ बेबी सी आर ए डब्ल्यू एल एस क्राउस अ बेबी सी आर ए डब्ल्यू एल एस क्राउस नंबर टू अ डैश हैज अ एस एच ई डबल एल शेल किसके शेल होती है किसकी बॉडी में शेल होती है तो टर्टल होता है उसके हाउस को हम शेल कहते हैं वी राइट हियर टी यू आर टी एल ई टर्टल अ टर्टल हैज अ एस एच ई डबल एल शेल टर्टल की बॉडी के पीछे क्या होता है उसका जो बैक का पार्ट होता है जो स्टोन जैसा एकदम हार्ड होता है उसको हम बोलते हैं एस एच ई डबल एल शेल वी डू क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन हाउ डज अ टी यू आर टी एल टर्टल डब्ल्यू ए एल के वॉक तो टर्टल कैसे वॉक करते हैं मतलब कैसे चलते हैं द आंसर इज अ टर्टल वॉक्स या एस लग जाएगा वॉक के पीछे क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है इसमें डज दिया हुआ है अ टर्टल वॉक्स वेरी स्लो टर्टल जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं अ टर्टल वॉक्स वेरी स्लो नंबर टू व्हाट डज द टी यू आर टी एल टर्टल कैरी सी ए डब्ल्यू आर वाई कैरी ऑन इट्स बी ए सी के बैक टर्टल अपने बैक मतलब पीछे की साइड अपने बॉडी के पीछे वो क्या कैरी करते हैं क्या लेके जाते हैं द आंसर इज द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक टर्टल अपने बैग के पीछे अपने हाउस को लेके जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे द टर्टल कैरीज वाई को कट करके यहाँ पे लगेगा आई ई एस द टर्टल कैरीज इट्स हाउस ऑन इट्स बैक क्वेश्चन नंबर थ्री वेयर डज द टर्टल गो वैन डब्ल्यू एच ई एन वैन इट इज टी आई आर ई डी टायर्ड टर्टल जब टायर्ड हो जाते हैं मतलब थक जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं कहाँ चले जाते हैं द आंसर इज द टर्टल गोज इन इट्स हाउस वेन इट इज टायर्ड टर्टल अपने हाउस के नीचे हाउस के अंदर चले जाते हैं जब वो टायर्ड मतलब थक जाते हैं तो अपनी बॉडी को अपने हाउस के अंदर छुपा लेते हैं मतलब शेल के अंदर वो चले जाते हैं क्वेश्चन फोर व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड टर्टल का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं आंसर इज द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड एस एच ई डब्ल एल शेल टर्टल के हाउस को हम बोलते हैं एस एच ई डब्ल एल शेल ओके चिल्ड्रन हियर वी कंप्लीटेड अवर लेसन नंबर 15 राइम पे जो अपन ने पोयम की है वो भी कंप्लीट हो गई है एंड नोटबुक एक्सरसाइज एंड यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश वर्क नोटबुक थैंक यू